सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक का जो सेंटर चेंज करना है सीजी व्यापम में, उसे हम कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको गूगल पे सीजी व्यापम टाइप करना होगा। सीजी व्यापम टाइप करके आपको सर्च करना होगा। जैसे आप सर्च करते हैं, आपके सामने सबसे टॉप पर आ जाता है सीजी व्यापम का ऑफिशियल वेबसाइट। इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए, अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। वेबसाइट का होम पेज स्टार्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाना है। फिर उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। फिर आपको ध्यान देना है कि महिला बाल विकास वाला ये जो है चौथे नंबर पे, यहाँ पे जाना है आपको। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 10वें नंबर पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, इस पे जाना है। ध्यान रखिए, त्रुटि सुधार करना है, सेंटर चेंज करना है, तो आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पर आपने क्लिक किया, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। और फिर स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, आवेदन की स्थिति या फिर करेक्शन फैसिलिटी, त्रुटि सुधार सुविधा, यहाँ पर दिया गया है। अब आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपके सामने त्रुटि सुधार करने के लिए रजिस्ट्रेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए, साथ ही कैप्चा फिल करने के लिए आ जाएगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और जो कैप्चा दिया रहेगा वो फिल करना है। तीनों फिल करने के बाद आपको लॉग इन कर लेना है। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने यहाँ पर आईडी पासवर्ड भर लिया है और हम यहाँ से लॉग इन करने वाले हैं। जैसे हम लॉग इन करेंगे, हमें एडिट का ऑप्शन कहाँ पे दिखाई देगा उसे हम लोग देखेंगे। तो देखिए, आप यहाँ पर जैसे आप लॉग इन करते हैं, आपके सामने यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन डिटेल दिख जाता है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। फिर एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर मिल जाता है सेंटर चेंज करने का ऑप्शन। जैसे कि आप सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके आप कोई भी सेंटर चूज कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लैक कलर की पट्टी दिख रहा होगा, तो ब्लैक कलर की पट्टी को हमने हिडन किया हुआ है, जो ट्रांजेक्शन नंबर है, पेमेंट डेट है उसको। बाकी आप यहाँ से कोई भी सा जिला चुनकर अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बिलासपुर रखा हुआ है। यहाँ पर एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद नीचे देखिए कैप्चा लिखा हुआ है, तो हम इसे कैप्चा को फिल करेंगे। कैप्चा फिल करके हमें सबमिट करना है इसे। तो देखिए, यहाँ पर नीचे पे सबमिट का बटन है, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारा सेंटर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह हम अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो, आपको पूरा वीडियो समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।